गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक ही फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, जो हमें दो गिवन इंटीजर हैं उनके, और उन इंटीजर के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के बाद उनको उनका जो आंसर है उनको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो दो हमें इंटीजर्स दिए हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। अगर वो है तो वो हमारा एचसीएफ हुआ, और अगर वो नहीं है तो हमने कोई गड़बड़ कर दी क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट हमारी जो दो गिवन इंटीजर हैं वो एक है 26 और एक है 91, तो हम इन्हें इन दोनों नंबर्स को राइट कर लिया। हम इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 26 है इसको, इसका फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे? अगर हम इसमें 2 से डिवाइड दें तो 2 1 2 2 3 3 आएगा, तो हम इसमें जब हम इसके डिवाइड कर फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 13। वैसे ही हम इसके जो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसका क्या आएगा, 7 इंटू 13। हाँ, अगर हम चाहें तो यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे 26 था इसका डिवाइड करते तो 2 1 2 2 3 6 और ये 13 से कट जाता, तो ये दोनों इसके फैक्टर आ गए। वैसे ही 91 का करते तो इसमें 7 से डिवाइड देंगे, 7 1 7, यहाँ पर 2 बचेगा तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, और 13 1 13, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लिए। अब हम पहले एचसीएफ फाइंड कर लो चाहे पहले एलसीएम फाइंड कर लो, तो हम यहाँ पर पहले एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम लीस्ट को लोअर भी बोल सकते हैं या लोएस्ट भी बोल सकते हैं। तो लोएस्ट का मतलब है मिनिमम, या इनमें कम से कम कौन सा जो मल्टीपल है वो कॉमन आ सकता है। तो कम से कम का मतलब है जो आ रहा है कॉमन वो तो हम लेंगे ही, उनके साथ जो अदर नंबर बचेंगे उनको भी ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 सिंगल है, यहाँ पर 2 नहीं है कहीं पर भी इस वाले में 91 वाले के फैक्टर में, तो हम ये 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 13 है तो 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों इन दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद 7 बचा तो 7 यहाँ पर है, ऊपर कहीं पर नहीं है, पर हमें यहाँ पर लोअर चाहिए या कम से कम कोई नंबर चाहिए, कम से कम इसका कोई कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो 7 का कम से कम कोई मल्टीपल 7 हो जाएगा, क्योंकि भले ऊपर 7 ना हो पर ये यहाँ पर जो 7 है वो भी यहाँ पर आएगा। जब हम इन तीनों का इंटू करेंगे तो वो आएगा 182। तो ये हमारी हो गई एलसीएम की वैल्यू। वैसे ही हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसमें इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको कभी कभी ग्रेटर कॉमन फैक्टर भी बोल देते हैं। तो ग्रेटर या हाईएस्ट का मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम मैक्सिमम को देखेंगे, मैक्सिमम मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ सकता है, तो हम केवल जो कॉमन आ रहा हुआ केवल उन्हीं नंबर्स को लेंगे, बाकी नंबर्स को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन 13 था दोनों में, तो यहाँ पर हम केवल 13 ही आ रहा है कॉमन, तो इसका जो एचसीएफ है वो 13 हो जाएगा, बाकी जो जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। ठीक है, इसके बाद उसने हमसे बोला है इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो जब जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो कि है कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए और बी हमारे कोई भी टू इंटीजर्स हैं, तो इन इंटीजर्स को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये सेकंड इंटीजर हो गया, इन दोनों का इनटू मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल
होता है हमेशा। तो हम इसी कंडीशन जो हमें गिवन है उसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। तो जो हमारी कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, या एलसीएफ इनटू एचसीएफ भी बोल सकते हैं। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो हमारा 26 था, एक 91 था। तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों का इनटू कर देंगे। और यहाँ पर हमारा एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13 इनटू एलसीएम की वैल्यू 182। अब इस नंबर का इस नंबर के साथ इंटू करेंगे, इस नंबर का इस नंबर के साथ इंटू करेंगे। अगर हमारा आंसर सही आता है, मतलब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही है। अगर हमारा आंसर सही नहीं आता तो हम समझ जाएंगे कि हमने आगे एलसीएम या एचसीएफ निकालने में कोई गलती की है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो यह आएगा 2366, और जब इसका इंटू करेंगे तो ये भी सेम आएगा। तो मैंने ये इनटू पहले ही करके देख रखा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि हमारा एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। हाँ, अगर आपको एलसीएम और एचसीएम से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है वो अलग से करके दिखाता हूँ। मान के चलो हमारे पास नंबर है, एक 4 है, एक 8 है, एक 16 है, एक 32 है। इन चार नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू टू, इसके होंगे 2 इंटू टू इंटू टू, और इसके होंगे 2 इंटू टू इंटू टू, और इसके इसके 4 टाइम्स आएंगे, इसका करेंगे तो हम 5 टाइम आ जाएगा 2 5। अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल रहे हैं, केवल एलसीएम। तो एलसीएम में एल का मतलब है लोअर या लोएस्ट या लीस्ट। तो हम यहाँ पर इस एल की तो जब लीस्ट है मतलब हम यहाँ से कोई भी इनका कॉमन नंबर देखेंगे, जैसे 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये इन सब का कॉमन है, इन सब में कॉमन है, तो ये एक बार आ जाएगा 2। ज़रूरी नहीं है कि हम इधर का ही लें, इसके साथ ये वाला 2 ले सकते थे, ये ले सकते थे, ये ले सकते थे, अभी हम लाइन से लेते चल रहे हैं। बाकी इधर उधर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आगे पीछे आ सकते हैं, तो हम कोई से भी नंबर को ले सकते हैं। फिर ये वाला 2 है, ये इसके साथ कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया सेकेंड वाला। इसके बाद ये वाला 2 इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, तो ये एक बार कॉमन आ जाएगा। ये दोनों इस रो में कॉमन आ जाएंगे, इस कॉमन आ जाएंगे। ये 2 सिंगल बचा तो हम इसके अंदर इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी साथ में इसी के लेके चलेंगे 2। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। वैसे ही जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में एच का मतलब होता है ग्रेटर, ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब इन सब में जो केवल कॉमन आ रहा होगा केवल वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है, इसको ना लेना हो तो इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 कॉमन आ गया क्योंकि सभी में है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ है, यहाँ है, पर यहाँ पर हमारे पास कोई 2 नहीं है, तो ये इस वाली रो में से, इस वाले कॉलम में से हमारे में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इस वाले 2 को नहीं लेंगे। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉमन किसी और नंबर को नहीं लेंगे। वैसे यहाँ सिंगल अकेला ये है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इनका इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था आप लोगों को। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका अगला 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे, गिवन दैट जो हमारे गिवन इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स के हम फैक्टर करेंगे, और एक है हमारा 92। तो इसके, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर, अभी हमने इससे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन इन नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, तो सेम हम वैसे इनके प्राइम फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं। तो मैंने उस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें और डिटेल में और अच्छे तरीके से बताया है।
तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 2 से जाएगा, तो 2 2 4, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 5, फिर यहाँ पर 11 था, ये 1 बचा, ये 10 हो गया, तो ये 5 टाइम्स जाएगा इसमें। अब हमारा लास्ट जो नंबर है इसका वो हमारा ऑड नंबर है, तो अब ये किससे जाएगा, ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा, तो 3 से देंगे, 3 8 24, यहाँ पर 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, तो ये 5 टाइम्स जाएगा इसमें। इसका इसमें 5 से डिवाइड जाएगा, 5 1 5, यहाँ पर 3 बचा, तो ये कितना हो गया, 35, 5 से 35 में डिवाइड देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, और 17 से 17 में डिवाइड देंगे तो एक बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। वैसे ही 92 है, 92 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये जाएगा 2 4 8, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो गया 12, इससे इसमें 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 4, 2 3 6, अब ये 23 बचा, 23 केवल 23 से डिविजिबल होता है, तो ये आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। तो हम यहाँ पर LCM निकाल लेंगे, पहले LCM ऑफ 510 and 92। तो LCM में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है, वो 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 एक बार आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, फिर भी ये आ जाएगा 3 × 5, यहाँ पर है पर इस वाली रॉ में नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर 5 आ जाएगा। 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी वो एक बार आ जाएगा। अब ये 2 जो था ये इसके साथ कॉमन आ चुका है, तो ये 2 तो अब नहीं आएगा दोबारा, पर ये वाला जो 2 है ये 2 वापस आ सकता है, तो ये यहाँ पर है, भले ऊपर ना हो पर फिर भी ये यहाँ पर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 23 है, तो ये ऊपर भले ना हो पर ये यहाँ इसमें आ जाएगा, जब हम कब, जब हम LCM फाइंड कर रहे होंगे। अगर हम SCF फाइंड कर रहे होते तो इसमें SCF कितना आता, केवल 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, बाकी कोई और नंबर इन दोनों कॉलम में कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा SCF हो जाता। अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23460, ठीक है। अब जब हम इसका SCF निकालेंगे, SCF ऑफ 510 and 92, तो ये कितना होगा, यहाँ पर केवल 2 ही आ रहा है SCF, तो ये इनका SCF हो गया 2, तो ये हमारे LCM और SCF आ गए। अब इसके बाद हम इनको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, तो हाँ हमें जो गिवन कंडीशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स इक्वल टू SCF इनटू LCM। तो हमारे जो 2 नंबर गिवन नंबर्स हैं वो दोनों ये हैं, और इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है, और SCF आया हमारा 2 और LCM आया हमारा 23460। अब इन दोनों का वही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा आंसर सेम आता है तो ये हमारा आंसर सही है, अगर हमारा आंसर सेम नहीं आता, मतलब हमने LCM और SCF निकालने में कुछ गलती की है, तो जब इसका इसके साथ इनटू करेंगे, तो मैंने ये इनटू पहले से कर रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप एक बार चाहो तो इनटू करके देख सकते हो। तो इनका जब हम इनटू करेंगे तो 46920 आएगा, और जब इस 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एज इट इज़ यही आएगा, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 336 and 54। तो जो गिवन नंबर है हम उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फर्स्ट जो हमारा इंटीजर है या नंबर है वो है 336। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसको यहाँ पर ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, सबसे पहले 2 1 2, यहाँ पर कितना बचा, 1, ये हो गया 13, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 13 में तो कितनी बार जाएगा,
12 तक जाएगा 6 टाइम्स में, यहाँ पर एक बचेगा, ये हो जाएंगे 16, तो 16 में 2 से डिवाइड जाता है तो 8 आता है, इसका 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर इसमें 2 से डिवाइड जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, फिर ये हमारा जो अभी तक यहाँ सभी में हमारे पास कौन सा नंबर था, ये सारे नंबर लास्ट डिजिट 3 की ये जो, तो ये सभी अभी हमारे इवन नंबर थे, अब ये ऑड नंबर आ गया तो अब ये हमारा ऑड नंबर से डिवाइड होगा, तो ये हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 7 टाइम्स और 7 1 ज़ा 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये कितना 4 बार है, 4 बार ये और 3 ये, और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 54। अब इसके हमें वो ही निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 54, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, फिर से हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, तो यहाँ पर 2 ये एक बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 एक बार आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 है पर ये 2 इधर कहीं पर भी नहीं है तो ये सिंगल एक एक बार आ जाएंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वाला 2 इंटू ये 2 इंटू ये वाला 2, फिर यहाँ पर 3 है ये और एक 3 यहाँ पर भी है तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ जाएगा, चाहो तो इनमें से किसी इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो ये और ये कॉमन आ गए तो ये आ गया 3। हाँ अपन यहाँ पर लाइन से ही चलते चलेंगे, इसका 17 है, हाँ सॉरी 7 है, तो 7 यहाँ पर है, इधर कहीं भी नहीं है पर फिर भी ये 7 आ जाएगा, बचा कितना 3 × 3। अब हम कॉमन इन दोनों में नहीं देखेंगे, ये रॉ में नहीं देखेंगे, ऐसे कॉलम वाइज देखेंगे, तो इन दोनों में ये 2 बार है तो ये 2 बार ही आएगा 3 × 3, जबकि अगर यहाँ पर 3 होता ही और एक 3 यहाँ पर होता तो वो कॉमन आ जाते, यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। अब हम इन सब का इंटू करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा, जब हम इन सभी का इंटू करेंगे तो ये आएगा 3024, ये इंटू मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखे हैं यहाँ, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पे नहीं करवाया। इसके बाद हम इनका एससीएफ निकालेंगे, एससीएफ ऑफ थ्री हंड्रेड 36 एंड 54 इक्वल टू, अब हम इसमें देखेंगे वही कि कौन से नंबर हैं वो कॉमन है इसमें, एक तो ये 2 है, एक ये 2 है, तो ये एक बार 2 है जाएगा इन टू, यहाँ पर ये जितने भी 2 हैं और 7 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना 2 है ना 7 है, ये 2 तो इसके साथ आ गया कॉमन, सिर्फ यहाँ पर 3 है ये और एक 3 ये है, तो ये वाला 3 इस 3 के साथ आ जाएगा, बाकी सभी नंबर्स को हम छोड़ देंगे, जबकि हम एलसीएम निकालते हैं तो उन सभी नंबर्स जो बचे हुए हैं उनको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6, इसके बाद हम इनको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एससीएफ इनटू एलसीएम, तो हमारे जो गिवन नंबर्स हैं उनको हम यहाँ राइट कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट इनटू एलसीएम आया, एससीएफ आया, हाँ सॉरी एलसीएम आया हमारा ये, इनटू एससीएफ आया हमारा 6, जब हम इन दोनों का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा 18144, और जब इसका इंट्स के साथ इंटू करेंगे तब भी यही सेम नंबर आएगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, हाँ जो हमने एलसीएम और एससीएफ निकाले वो सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अभी हमारे जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हो, और अगर कोई और भी आप चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में मुझे सजेशन भी कर सकते हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।